माननीय सुशील मोदी। उपसभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि जिन लोगों ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी में ये मांग किया, ये समर्थन किया कि आधार के साथ वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जाए, आज वही लोग वेल में आकर इसका विरोध कर रहे हैं। महोदय, श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कांग्रेस के मेंबर हैं, जो श्री विवेक तनखा ये कांग्रेस के मेंबर हैं, और ये लोग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी के अंदर शामिल थे। श्री सुखेंदु शेखर रे ये टीएमसी के मेंबर हैं, ये उस कमिटी में शामिल थे सौती महोदय, और एक बार नहीं तीन तीन बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी जिसके चेयरमैन श्री भूपेंद्र यादव थे, उस कमिटी ने सर्वसम्मति से यह रेकमेंड किया और ये कहा कि आधार के साथ वोटर आईडी को लिंक किया जाए। सौती महोदय, जो 101st रिपोर्ट है, जो डिमांड ऑफ ग्रांट 2021 की, जिसको इस सदन के फ्लोर पर ले किया गया, मैं उसके रिकमेंडेशन को पढ़ना चाहूंगा। द कमिटी अंडरस्टैंड्स दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द लेटर इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एरर फ्री इलेक्ट्रल रोल इज सीने क्यू नॉन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। द कमिटी हैज बीन एडवोकेटिंग लिंकेज ऑफ यूनिक आधार आईडी कार्ड नंबर विद वोटर आई कार्ड विच वुड स्ट्रीमलाइन ऑल्टरेशन इन एपिक ड्यूरिंग चेंज ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंस बाय द इलेक्टर्स। द इंसिडेंस ऑफ मल्टीपल एंट्री कुड ऑल्सो बी एलिमिनेटेड विच इज रिक्वायर्ड इन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। द कमिटी देयरफॉर रेकमेंड्स दैट द गवर्नमेंट मे अंडरटेक एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द लिंकेज of unique Aadhaar card number with voter ID card to purify the electoral roll which is in larger interest of democratic polity। Sabati Mahoday, ye sadan ke andar jo report le ki gayi hai parliamentary standing committee, ye jisme ki congress ke log shamil the, cpm ke log shamil the, jiske andar trinamool congress ke log shamil the, uski report ki ye anushansa hai। Aur Sabati Mahoday, फिर 2021-22 की डिमांड फॉर ग्रांट में जो 107th रिपोर्ट जो इस सदन के पटल पर रखी गई, मैं उसको भी फिर से पढ़ना चाहूंगा। द कमिटी रिटरेट्स, यानी कमिटी इस बात को दोहराती है, इट्स रिकमेंडेशन दैट द गवर्नमेंट मे अंडरटेक एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द पर्पस ऑफ लिंकिंग यूनिक आधार कार्ड नंबर विथ वोटर आई डी कार्ड टू प्योरीफाई द इलेक्ट्रल रोल। सत्य महोदय, एक बार नहीं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने दो दो बार इसकी अनुशंसा की है कि वोटर आई डी कार्ड के साथ और इसको जोड़ा जाए। सत्य महोदय, इतना ही नहीं, जब गवर्नमेंट के एक्शन टेकन रिपोर्ट जो 109th रिपोर्ट में जिसका जिक्र है, उसमें सरकार कहती है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has proposed to link the electoral roll with the Aadhaar ecosystem with a view to curbing the menace of multiple enrollment of the same person at different places, this would require amendments in the election laws, the matter is under consideration of the government। ye jab parliamentary standing committee ne apni anushansa ki hai, sarvasammat anushansa ki hai, main janna chahta hu jab parliamentary standing committee ne recommend kiya तो कांग्रेस के लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया, टीएमसी के लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया, और आज वेल में आकर एक ऐसे कानून का विरोध कर रहे हैं जिसको लागू करने के लिए आप सारे लोग उसके अंदर शामिल थे। और सत्य महोदय, जो 109th रिपोर्ट जो एक्शन टेकन रिपोर्ट थी, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। द कमिटी एक्नोलेजेस द इनिशिएटिव ऑफ द कमीशन एंड इज ऑफ द ओपिनियन that linkage of Aadhaar number with voter ID card will also bring about transparency in electoral process।
द कमिटी फर्दर रिकमेंड्स द इलेक्शन कमीशन एंड द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट टू स्टेप अप मेजर्स इन दिस रिगार्ड एंड अप्राइज द कमिटी ऑफ द आउटपुट बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ द फोर्थ कमिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सचिव महोदय, ये ATR की रिपोर्ट है जो सदन के अंदर रखी गई और जिसमें कमिटी ने यह निर्देश दिया कि 22-23 की जो डिमांड फॉर ग्रांट्स की जब चर्चा होगी उसमें सरकार बताए कि आधार को जोड़ने के बारे में और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। सती महोदय, और इतना ही नहीं कि ये जो बिल पेश किया गया है, सती महोदय, इस बिल में यह कहा गया कि दिस ये मैंडेटरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। नो एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम्स इन द इलेक्टोरल रोल शैल बी डिनाइड एंड नो इंट्रीज इन द इलेक्टोरल रोल शैल बी डिलीटेड फॉर इनएबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल टू फर्निश और इंटीमेट आधार नंबर ड्यू टू सच सफिशियंट कॉज एज मे बी प्रिस्क्राइब। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना आधार नंबर अगर उपलब्ध नहीं करा सकता है किन्हीं कारणों से, तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, उसका नाम मतदाता सूची से विलोपित नहीं किया जाएगा। लेकिन सत्य महोदय, इस बिल में इतनी स्पष्टता है कि यह बाध्यता नहीं है, यह मैंडेटरी नहीं है, यह ऑप्शनल है। जो लोग चाहें वो अपना आधार नंबर देंगे, जो लोग अगर आधार नंबर अगर उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन सती महोदय, ये इस बिल के विरोध करने का कारण ये है कि कांग्रेस के लोगों ने, TMC के लोगों ने मतदाता सूची में लाखों लाख बोगस नाम जुड़वा कर रखे हैं और इनका जो वोट बैंक है, एक एक आदमी का नाम और चार चार बार है, एक एक आदमी का नाम बंगाल के अंदर अगर TMC की जीत हुई है, TMC को सफलता मिली है इस बोगस वोटर लिस्ट के कारण मिली है। और अगर आधार के साथ लिंक कर दिया गया तो लाखों वैसे नाम जो बोगस हैं, जो फेक हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से अपने नाम को दर्ज करा लिया था, वो सारे के सारे नाम और विलोपित कर दिए जाएंगे। ये डर है और इसे वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सचिव महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सुखेंदु शेखर राय जी, प्लीज, माननीय सुखेंदु शेखर राय जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। माइक एटा दीजिए। मिनिस्टर मे विद द परमिशन ऑफ द चेयर मेक ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन ऑल्दो देयर इज नो क्वेश्चन बिफोर द काउंसिल बट इन दिस केस नो डिबेटेबल मैटर मे बी ब्रॉट फॉरवर्ड एंड नो डिबेट शैल अराइज। नाउ द ऑनरेबल मेंबर हु वाज स्पीकिंग ऑन द बिल, he mentioned my name and names of other members of Congress Party and CPIM that we were in the standing committee, we did not oppose, but here we are opposing. No, the fact remains, because he was not in the committee at that point of time, right. This is not direct knowledge, maybe indirect knowledge, somebody has asked him to do so. I asked him to give my note of dissent, which was not allowed. That is why I could not submit my note of dissent. Thank you. Secondly, just now, the honourable member has named my party and other parties that we are manipulating the voter list. This is bebuniyad. It will be examined. Please. मैंने भूपेंद्र यादव जी चेयरमैन थे उस समय, मैंने पूरी वर्बेटिम रिपोर्ट देखी है। देयर इज नो नोट ऑफ डिसेंट फ्रॉम सुखेंदु शेखर रे, नोबडी हैज रेज्ड एनी नोट ऑफ डिसेंट। प्लीज स्पीक ऑन द बिल। प्लीज स्पीक ऑन द बिल। केवल बंगाल में नहीं, केरल के अंदर CPM के लोगों ने वोटर लिस्ट के अंदर बड़े पैमाने पर और बोगस वोट अपने मतदाता सूची में जो नाम दर्ज करा रखे हैं। सचिव महोदय,
जब ये अनिवार्य नहीं है, ये जब मैंडेटरी नहीं है, तो फिर क्यों इस बात का विरोध कर रहे हैं? और सती महोदय, ये लोग कहते हैं कि कुट्टू स्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम द कमिटीज रिपोर्ट रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सिंस पास्ड इट्स फाइनल जजमेंट इन द मैटर्स रिलेटिंग टू आधार इशू। द कमीशन हैज कंसिडर्ड द मैटर फर्दर इन व्यू ऑफ द डायरेक्शन द जजमेंट। द कमीशन इज कीन टू मेक यूज ऑफ द यूनिक आईडी नंबर्स प्रोवाइडेड बाय आधार स्कीम फॉर क्लीनिंग द इलेक्ट्रल रोल्स एंड एरर फ्री इलेक्ट्रल रोल फॉर्म्स द बेसिस। आपका समय खत्म हो रहा है क्रेडिबल इलेक्शन मोदी जी। देयरफॉर आपका समय खत्म हो रहा है। नेशनल इंटरेस्ट प्लीज कंक्लूड। आधार नंबर प्लीज फॉर वेरिफिकेशन पर्पस टू इंश्योर प्लीज कंक्लूड। आपका समय खत्म हो रहा है। एंड टू प्रिवेंट मल्टीपल इनरोलमेंट ऑफ सेम पर्सन टू एक आपका समय खत्म हो गया। इन द इलेक्ट्रल रोल प्लीज रिव्यू ऑफ द अबव कोटेड ऑब्जर्वेशन मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है प्लीज सुप्रीम कोर्ट एक मिनट के सर्वती महोदय आपका समय खत्म। सुप्रीम कोर्ट की कोई आपत्ति नहीं है प्लीज। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में और ये संशोधन लाया जा रहा है सती महोदय। और शेष सती महोदय केवल अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये समाजवादी पार्टी एसीपीएम माननीय नवनीत कृष्णन